ओनली मोदी, ओनली मोदी, राहुल गांधी ओनली क्यों नहीं? राहुल गांधी कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? युवा बहुत आ रहे हो अपने आप को। युवा है तो पहले अपना ब्याह कर ले, अपना लड़का बाल बच्चा कर ले, 52 साल के बाद युवा होंगे। हम लोग युवा है, हम लोग का 36-37 है तो हम लोग 52-53 में युवा होते हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई वो कैसा काम? वो तो अभी बहुत धनाधन दे रहे हैं, जो चीज घोषणा किए, धान का बोनस घोषणा किए, रटमने दिए, महतारी बंधन किए वो भी दिए, धान का बोले थे 31 रुपया वो भी दिए, और अभी घर का भी बोले हैं वो भी, उसको भी सिग्नेचर कर चुके हैं, और वो भी घर वाला भी दे रहे हैं, हर गांव में पक्के पक्का घर हो जाएगा। अब इतना से क्या करेगा? खुश हैं यहां के लोग? खुश हैं, बहुत भयंकर खुश हैं। रुपया जो बोले थे कि सभी 500 से सभी महिला को 1000 रुपए 5 साल में घोषणा किए थे दे देंगे, 500 से 5 करम कर दिए, 1000 नहीं दे पाए तो क्या 1,00,000 रुपए देंगे? और यह तो हम लोग को महतारी जतन का 1000 रुपए बोले थे, धनाधन मिलने लगा, पैसा मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की बात करें या भारत की बात करें, यहाँ पर सिर्फ एक ही माहौल है, वो है भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी का। यहाँ पर सिर्फ साय साय चल रहा है। विष्णु देवसाय जी हैं जो सरकार, उनकी जो सरकार वो साय साय चल रही है, यहाँ सिर्फ साय साय के ही माहौल है। अच्छा, लोग चले, आपने कही साय साय तो लोग कह रहे हैं, यहाँ पर लोग भी कह रहे थे साय साय काम हो रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल काम हो रहे हैं, चारों तरफ आप देखिए रोड का काम चालू हो गया है, लोग को महतारी योजना के तहत उनको 1000 रुपए पैसा मिल रहा है। खुश है यहाँ के लोग, चारों तरफ खुशियां मनाया। जिस दिन छत्तीसगढ़ में उनका नाम आया, लोगों ने बम पटाखा फोड़ा, छात्रावासों में जो ट्राइबल हॉस्टल थे, जहाँ ट्राइबल बस्तियां थी, वहाँ पर मिठाइयां बटी, बहुत खुश हैं लोग। भारत में मोदी जी का एक गारंटी चल रही है, सिर्फ मोदी जी की गारंटी। अरे राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी जी हार के डर से कांप रहे हैं, कह रहे हैं राहुल गांधी जी खुद अमेठी छोड़ के भागे वायनाड, अब वायनाड से छोड़ के भागेंगे कहीं और। ये बताइए विष्णु देसाई कैसा काम कर रहे हैं अभी? अभी विष्णु देसाई जी के सरकार बने हुए 3-4 महीने मुश्किल से हुए हैं, 3-4 महीने में मोदी जी की गारंटी के तहत उन्होंने साय साय काम किया। क्या नाम है आपका? लखन चौधरी। क्या लग रहा है किसकी सरकार बनने जा रही इधर? ओनली मोदी, ओनली मोदी, राहुल गांधी ओनली क्यों नहीं? राहुल गांधी कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? युवा बहुत आ रहे हो अपने आप को। युवा है तो पहले अपना ब्याह कर ले, अपना लड़का बाल बच्चा कर ले, 52 साल के बाद युवा होंगे। हम लोग युवा है, हम लोग का 36-37 है तो हम लोग 52-53 में युवा होते हैं। अरे कह रहे हैं इस बार राज तिलक करेंगे हम अपना। राज तिलक पहले अपना कर ले, लड़का बच्चा को करके खिला ले, उसके बाद युवा से हटे और देश हित में। पहले क्या होता था हमारे देश में, सैनिक लोग को गर्दन काट के ले जाते थे और आदमी देखते रहता था। आज किसी देश को ताकत नहीं है हमारे देश के लिए। हम लोग देश हित में है, अगर 1500 रुपए भी सिलेंडर हो जाएगा गैस का ना, तब हम लोग मोदी को देंगे वोट। इतना क्यों मोदी जी के प्रति? भाई हमारा देश की रक्षा के लिए, आज देखिए हमारा देश का आधुनिक भाई जितना हथियार है, दूसरा देश 80 देश का लाइन लगा हुआ है खरीदने के लिए। भाई दूसरा देश हमारे देश से खरीद रहा, हम लोग पहले दूसरा देश से खरीदते थे, तो इतना डेवलप होने के बाद भी हम लोग को ओनली मोदी चाहिए। हाँ, राहुल गांधी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए 5 साल यहाँ पर भूपेश सरकार रही, उन्होंने कुछ काम किया? वो क्या किया? पूरा गोबर का घोटाला किया। हाँ, पूरा हाजरी भर भर के गोबर सबको बेच खाया। कहाँ देखे, 18-20 लाख के काम था। हाँ, उसमें मुश्किल से 1.5 लाख के काम भी नहीं हो पाया। हाँ, सभी जगह भ्रष्टाचार पे ही लिप्त है। वो क्या किया बताइए? चलिए अभी जो आदिवासी समुदाय से आते हैं मुख्यमंत्री विष्णु देसाई वो कैसा काम? वो तो अभी बहुत धनाधन दे रहे हैं, जो चीज घोषणा किए, धान का बोनस घोषणा किए, रटमने दिए, महतारी बंधन किए वो भी दिए, धान का बोले थे 31 रुपया वो भी दिए, और अभी घर का भी बोले हैं वो भी, उसको भी सिग्नेचर कर चुके हैं, और वो भी घर वाला भी दे रहे हैं, हर गाँव में पक्के पक्का घर हो जाएगा। अब इतना से क्या करेगा? खुश है यहाँ के लोग? एकदम खुश है, बहुत भयंकर खुश है एकदम। कितना अंतर आ गया है पहली सरकार और अब की सरकार में? अंतर बहुत डेवलप हो गया हमारे भारत में। हाँ, हमारे भारत में बहुत डेवलप हो गया। हाँ, डबल इंजन की सरकार काम कर रही है यहाँ पर? बहुत अच्छा। बहुत अच्छी काम कर रही है। हाँ, अब इतना से काम क्या चाहिए? अब हम लोग को भी तो कुछ कमाना पड़ेगा। हाँ, अब सरकार के भरोसे रहेंगे? राम मंदिर का मुद्दा देखिए, 500 साल से पुराना जटिल केस था, उतना दिन तो 55 से लेकर 70 बरस तक कांग्रेस का सरकार था, क्यों नहीं उस मुद्दा को हटाया? हटा देना चाहिए था जब निमंत्रण मिला कि आप लोग भी आइए। हाँ, जा रहे हैं। अभी जाने से क्या होगा? देख रहे हैं कि हमारा ये स्थिति खराब हो गया। हाँ, तब सोच रहे हैं कि कुछ ही है। हाँ, लपकते हैं। हाँ, लपकने से कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ, उनका हाथ से गया। कह रहे हैं मोदी जी हार के डर से कांप रहे हैं। मोदी जी के हाथ से शेर का सीना, 56 इंच का सीना उनको से डर जाएगा। हाँ, इन लोग से, इन लोग अपना तुरंत अभी देखिएगा, तुरंत चुनाव के बाद पकड़ लेंगे, इटली नहीं तो दुबई पकड़ लेंगे। अच्छा, दुबई पकड़ लेंगे यात्रा में। हाँ, ये रहने वाले नहीं है। अरे कह रहे हैं हम 1-1 लाख रुपए देंगे। हाँ, 1,00,000 कहाँ, 1000 रुपया जो बोले थे कि सभी 500 से सभी महिला को 1000 रुपए 5 साल में घोषणा किए थे दे देंगे, 500 से 5 करम कर दिए, 1000 नहीं दे पाए तो क्या 1,00,000 रुपए देंगे? और यह तो हम लोग को महतारी जतन का 1000 रुपए बोले थे, धनाधन मिलने लगा, पैसा धनाधन मिल रहा है। तो हर महीना 7 तारीख से पहले मिल जा रहा है।
कह रहे हैं हम आए तो एक झटके में गरीबी हटा देंगे। वो झटके वो तो आलू से सोना बना दे रहे थे, उनको तो हम लोग इंतजार कर रहे थे चल गए मुड़ गया आलू ले लेके कि सोना बनाने के लिए हम लोग को चाहिए। कहीं मिले कि नहीं? नहीं वो आई में नहीं किए, वो सीधे धरे उधर ही से निकल दिए। अच्छा। हम लोग तो आलू लेके भरे थे चल गली मोड़ में कि आलू लेके रखते हैं उसको सोना बनाना है। अच्छा। वैज्ञानिक हमारे यहाँ हम लोग भी हक था। हाँ। कि हम लोग सोना बनवा लेते हैं। हाँ। आलू उगा रहे थे आप? हाँ, हाँ, आलू बोरा में रखे थे। हाँ। सोना बनाने के लिए एक तरफ से डालेंगे एक तरफ से सोना निकल जाएगा। अच्छा। तो ऐसी मशीन बताई नहीं उन्होंने? हाँ भाई बोले थे कि बना देंगे तो हम लोग भी सोचे कि भाई बन जाएगा, लेकिन वो तो अपने ही जब देखे कि बनेगा नहीं तो इसलिए वो अपने खसक दिए। अच्छा। अब बीजेपी अभी 417 सीट से ऊपर जाएगी। 417? हाँ 417 से ऊपर जाएगी, देख लीजिएगा। राहुल गांधी कह रहे हैं 150 पे अटक जाएगी। ओ अपना बड़ा बिस्तरिया 400 सीट में भी नहीं लड़ रहे हैं अपना। हाँ। जितना उनको टारगेट उतना ही में नहीं लड़ रहे हैं। हाँ। तो क्या लग रहा है कौन बाजी मारेगा इस बार? ओनली मोदी। राष्ट्रीय होगा उनका एकदम ओनली, राहुल गांधी का कुछ नहीं है। नहीं उन लोग कहाँ सब चोर चोर मोसेरा भाई सब सट गए। अगर मान लेते हैं भ्रष्टाचार नहीं किया है तो हम भ्रष्टाचार की अगर किए हैं तो हमको क्या चीज का डर है? ले चलो भैया जहां ले चलना है। हाँ। सब चोर मिले हुए हैं ना, कोई गोबर खाए हैं कोई घास खाए हैं। हाँ। पूरा प्लान कर दिए हैं, प्लान कर दिए हैं, पूरा प्लान कर रहे हैं मोदी जी हमें सिर्फ जेल में भरने का काम कर रहे हैं। भैया जेल में भरने के लिए देखिए जो गलत करेगा उसको तो भरा जाएगा। हाँ। वो तो बीजेपी सरकार बीजेपी को भी आदमी को राजनाथ सिंह को तो बंद कर दिए थे। उनका माँ को ये जब दाह संस्कार हुआ था तो उस समय पेरोल नहीं मिला था, तो वो तो जो गलत करेगा वो तो है ही है। अब ईडी और सीडी तो मरबे करेगा। हमारे पास अगर गलत धन इकट्ठा किया है तो वो लेगा ना कि हम लोग वाला सब पैसा को ले लेके अपने खजाना भरेगा। चलिए यहाँ से एक ही लहर है। हाँ, ओनली मोदी। चलिए धन्यवाद आप। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ युवा मौजूद हैं, उनसे जानेंगे उनके क्या मुद्दे हैं यहाँ पर इस बार चुनाव के। भैया क्या नाम है आपका? नाम मेरा अश्विनी गुप्ता है। क्या लग रहा है किसका माहौल चल रहा है यहाँ पर, बीजेपी या कांग्रेस का? छत्तीसगढ़ की बात करें या भारत की बात करें, यहाँ पर सिर्फ एक ही माहौल है, ही वो है भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी का। यहाँ पर सिर्फ साएं साएं चल रहा है। हाँ। यहाँ पर हमारे जो हमारे क्या बोलते हैं विष्णु देव साय जी हैं। हाँ। जो सरकार। हाँ। उनकी जो सरकार वो साएं साएं चल रही है यहाँ। हाँ। सिर्फ साएं साएं के ही माहौल है। अच्छा लोग, चले आपने कही साएं साएं, तो लोग कह रहे हैं यहाँ पर, लोग भी कह रहे थे साएं साएं काम हो रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल काम हो रहे हैं चारों तरफ। आप देखिए रोड का काम चालू हो गया है। लोग को महतारी योजना के तहत उनको 1,000 रुपये पैसा मिल रहा है। उस सरकार ने वादा किया था कि किसानों को हम 3100 रुपये में धान खरीदेंगे, उनका धान का खरीदी हो रहा है। चारों तरफ साएं साएं काम हो रहा है। आवास जो है 18 लाख आवास जो रुका हुआ था सेंटर कांग्रेस की सरकार में। हाँ। वो पुनः काम चालू हो गया। हाँ। चलिए 5 साल यहाँ पर भूपेश सरकार रही, उनके कार्यकाल में कुछ काम हुआ था कि नहीं? अपन नहीं, उनके कार्य में सिर्फ घोषणाएं हुई थी। उन्होंने सिर्फ युवाओं को ठगा, जनता को ठगा है, कुछ काम नहीं किया है। हाँ। युवाओं के लिए कुछ किया कि नहीं? नहीं उन्होंने किया था ना, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने युवाओं से 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी और अंतिम समय में 2 महीने का जो बेरोजगारी भत्ता दिया वो भी नियम और शर्तों के साथ। उन्होंने कई स्टार लगा दिए जिसके बारे में उसने घोषणा पत्र में उसके बारे में जिक्र नहीं किया था। चलिए बताइए युवा किस का काम? अच्छा, चलिए बताइए युवा किसके और है इस बार? युवा निश्चित तौर पर माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। चलिए युवा नेता है हमारे पास, राहुल गांधी भी हैं। राहुल गांधी कहते हैं हम युवा नेता हैं, क्या लग रहा है? नहीं राहुल गांधी युवा नेता होंगे, उनके तो 55 साल के उम्र हो गया, उनको अगर वो अपने युवा मानते हैं तो मैं उनके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। देश में एक ही नेता है वो है नरेंद्र मोदी, जो टेस्टेड भी है और ट्रस्टेड भी है। मतलब देश की जनता ने उन्हें 10 साल परखा है और पुनः विश्वास के साथ उनको वोट देने के लिए तैयार है। अच्छा चलिए राहुल गांधी कह रहे हैं इस बार हम मोदी जी को उखाड़ फेंकेंगे, 150 सीटें भी नहीं ला पाएंगे, मोदी जी ऐसे कह रहे हैं। ये सिर्फ व्यंग है, हंसी के लिए जो हम लोग टॉम एंड जेरी जो देखते हैं ना। हाँ। उसमें कई तरह के व्यंग आते हैं। हाँ। उसी तरीका ये व्यंग है, सुनने में अच्छा लगता है। बाकी इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 पार करने वाली है। कह रहे हैं हम 1,00,000 रुपये देंगे लोगों को। उन्होंने छत्तीसगढ़ में भी तो कहा था कि युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, दिया क्या? किसानों को बोनस देंगे, दिया क्या? रोड सड़क की बात की थी, उन्होंने दिया क्या? लोगों को आवास की बात की थी, दिया क्या? सिर्फ और सिर्फ चुनावी जुमला है, वो कुछ करने वाले नहीं है। 70 साल में जिन्होंने कुछ नहीं कर पाया वो आने वाले समय में क्या करेंगे? कह रहे हैं हम एक झटके में गरीबी हटा देंगे, कह रहे हैं हम 80 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। उनके जो पूर्वज थे चाहे वो इंदिरा गांधी हो या राजीव गांधी हो, उन्होंने भी देश पर राज किया है, तो उन्होंने क्यों नहीं एक ही झटके में हटा दिया? आज इनके पास कोई जादू का पिटारा है क्या, खोलेंगे और यहाँ से देश की गरीबी को हटा देंगे?
क्या लग रहा है, तो 400 पार होंगे या नहीं होंगे? निश्चित तौर पे 400 पार होने वाले हैं और भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी बनाएगी और नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा चलिए बताइए, विष्णुदेव साय पहली बार यहाँ से कोई आदिवासी समुदाय से कोई मुख्यमंत्री बने हैं, यहाँ के लोग कितने खुश हैं? बहुत खुश हैं यहाँ के लोग, चारों तरफ खुशियाँ मनाए। जिस दिन छत्तीसगढ़ में उनका नाम आया, लोगों ने बम पटाखा फोड़ा, छात्रावासों में जो ट्राइबल हॉस्टल थे जहाँ ट्राइबल बस्तियाँ थी वहाँ पर मिठाइयाँ बटी, बहुत खुश हैं लोग। चलिए धन्यवाद आपका। भैया क्या नाम है आपका? बड़े चश्मे लगा के घूम रहे हैं आप। अजय कुमार यादव। क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनने जा रही है इधर? ये तो तय है भारतीय जनता पार्टी की और हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री। अच्छा, तो राहुल गांधी भी हैं, युवा नेता कहते हैं वो अपने आप को, वो क्यों नहीं? राहुल गांधी युवा नेता अपने आप को कहते हैं? वो तो 50+ हैं, युवा नेता कहाँ से। क्या लग रहा है, वो मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे या नहीं? नहीं, दूर दूर तक नहीं, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे भारत में मोदी जी का एक गारंटी चल रही है, सिर्फ मोदी जी का गारंटी। अरे राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी जी हार के डर से कांप रहे हैं, कह रहे हैं राहुल गांधी जी खुद अमेठी छोड़ के भागे वायनाड, अब वायनाड से छोड़ के भागेंगे कहीं और। अरे कह रहे दो दो सीट से लड़ रहे हो अभी, तो वो तो अब इस बार वो दो दोनों सीट से गायब हो जाएंगे। दोनों सीट से? दोनों दोनों है? इस बार कहां मोदी जी 150 सीटों पर अटक जाएंगे कह रहे हैं। उनके कहने से थोड़ी होगा भैया, देश की जनता, देश के जनार्दन हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। अच्छा चलिए बताइए, पहली बार यहाँ से कोई मुख्यमंत्री आदिवासी समुदाय से बना हुआ, कितने खुश हैं आप लोग? बहुत अच्छी बात है, हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री मोदी जी का देन है, हमारे आदिवासी भाइयों के जो दिए हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ही नहीं, हमारे देश के राष्ट्रपति भी आदिवासी एक बहन है, द्रौपदी मुर्मू। आदिवासियों के लिए सम्मान की बात है, हम तो छत्तीसगढ़ के हैं और हमारे छत्तीसगढ़ में सरगुजा संभाग ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है। इस क्षेत्र से आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, सरगुजा से हमारे रामानुजी, इस विधानसभा से हमारे यशस्वी कृषि मंत्री माननीय रामविचार नेताम जी हैं, है ना। तो इस सरगुजा ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में इस बार 11 की 11 सीट आएगी। चलिए बताइए, विष्णुदेव साय कैसा काम कर रहे हैं अभी? अभी विष्णुदेव साय जी की सरकार बनने हुए 3-4 महीने मुश्किल से हुए हैं, और 3-4 महीने में मोदी जी की गारंटी के तहत उन्होंने साय साय काम किए। क्या क्या साय साय काम हुए? जैसे उन्होंने पहले बोले थे कि सरकार बनते के साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री आवास देंगे, 18 लाख परिवारों का आवास स्वीकृत हो चुकी, महतारी वंदन के योजना के तहत महिलाओं को सशक्त करने का काम किया, अभी आने वाले 2-3 तारीख को 3री किस्त आएगी महिलाओं को, है ना। युवाओं के साथ जो भूपेश बघेल छलावा किया था, पीएससी घोटाले की सीबीआई जांच होगी, है ना, ये सबसे बड़ी बात है। अभी सरकार बनते ही और मोदी जी के जो संकल्प पत्र है, मोदी की गारंटी के तहत काम होगी। क्या लग रहा है, तो राहुल गांधी टेप टक्कर दे पाएंगे मोदी को? नहीं नहीं नहीं, राहुल गांधी की तो दूर दूर तक नहीं छत्तीसगढ़ में। इस बार पिछले बार उन्होंने 2018 में गंगा जल की कस्में बना करके लोगों को ठग करके सरकार बना ली थी, इस बार यहाँ नहीं चलने वाला। आप तो देखे ना, उन लोगों ने बोल रहे थे कि इस बार 75+ कहाँ पे आके टिक गए, आप तो देखे होंगे। तो इस बार कह रहे महागठबंधन मोदी को हरा पाएगा? अरे आपस में खुद लड़ रहे हैं, महागठबंधन कहाँ है भैया, उनकी तो सभा में कुर्सियाँ चलती है, आप देखे होंगे चौपड़ में। गठबंधन कहाँ, गठबंधन आपस में लड़ रहे हैं, उन लोगों का क्लियर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उनके हमारे पास, भारतीय जनता पार्टी पास नीति है, नियत है, साफ नियत है, विजन क्लियर है, उनके पास कोई क्लियर नहीं है।